निर्भया केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां दोषी ने क्यूरेटिव पिटीशन को दाखिल किया है। तो दोषी ने दाखिल की है क्यूरेटिव याचिका, दोषी विनय शर्मा ने ये याचिका दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में। तो दोषियों को 22 जनवरी को फांसी की सजा दी जानी है और फांसी की तारीख का ऐलान होने के बाद ये पहली याचिका यहां पर सामने आई है। एक दोषी विनय शर्मा इसका नाम बताया जा रहा है कि जिसकी तरफ से क्यूरेटिव याचिका दाखिल की गई है। अमित दुबे हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। अमित, क्या जानकारी इस पूरे मामले पर? कि दोषियों के वकील ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वो क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करेंगे और आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर भी दी गई है। लेकिन किस तरह से फांसी को टालने की चीजें हो रही हैं, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिर्फ विनय शर्मा की तरफ से अभी क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की गई है। अमित, क्या समझे कि अभी तीन और जो आरोपी है उनकी तरफ से भी ये याचिका आ सकती है? जी बिल्कुल, देखिए हो सकता है कि ये पॉलिसी हो खास तौर पे आरोपियों की कि वो एक एक करके डाले जिससे थोड़ा टाइम और निकल जाए। लेकिन जाहिर तौर पे जब क्यूरेटिव पिटीशन को लेकर सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट सवाल जरूर करेगा, क्योंकि पिछली दया याचिका में भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि चारों आरोपी इस काम को करना चाहते हैं। राष्ट्रपति की दया याचिका की जब बात थी तो चारों आरोपी करना चाहते हैं या कोई एक, सारे लोग अपनी राय स्पष्ट करें। तो अब भी जब विनय शर्मा की तरफ से क्यूरेटिव पिटीशन डाली गई है तो जब कोर्ट में सुनवाई होगी तो इस तरह का सवाल आएगा। लेकिन रिसेंटली अगर बात करें तो विनय शर्मा की तरफ से क्यूरेटिव पिटीशन डाल दी गई है, अब सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा। हालांकि ज्यादा कुछ है नहीं क्योंकि जो अमित, जब सजा दी गई थी, जब फांसी को लेकर मुकर्रर की तारीख की गई, उस दौरान ही कहा जा रहा था कि अब आरोपियों के पास कोई विकल्प नहीं है। हालांकि कोशिश की जा रही है, माइंड ऐसा सेट कर लिया है आरोपियों ने किसी न किसी तरीके से आखिरकार फांसी की सजा को रोक दिया जाए, तारीख को रोक दिया जाए। लेकिन क्या लगता है कि इस पर सुनवाई के दौरान क्या राहत इन्हें मिल सकती है, क्योंकि दूर दूर तक फिलहाल तो कोई राहत नहीं? देखिए क्यूरेटिव पिटीशन में कोई राहत नहीं मिलने वाली है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि जब जब किसी भी केस की सुनवाई बंद कमरे में होती है तो क्यूरेटिव पिटीशन पे बहस काफी दिनों तक चलती है और देर तक चलती है, क्योंकि कई सारे ऐसे तथ्य होते हैं जो लोगों की नजर में नहीं होते हैं क्योंकि केस की सुनवाई बंद कमरे में हुई है। लेकिन यहाँ पे निर्भया केस में सारी सुनवाई जो है वो ओपन एरिया में हुई है, तो जाहिर तौर पे जब ओपन एरिया में सुनवाई होती है तो उसमें क्यूरेटिव पिटीशन में रखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता है। और पिछली जब दया याचिका पे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी तब भी उन्होंने कहा था कि जो आरोपियों के वकील है कोई नई दलील नहीं रख पाए, सारी दलीलें वही थी जो पुरानी दलीलें थी। तो उम्मीद की जाती है कि इस क्यूरेटिव पिटीशन में भी ज्यादा कुछ नहीं होगा और बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट इसे लेकर डिसीजन देगा। जी चलिए, धन्यवाद आपका अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां निर्भया केस का एक दोषी विनय शर्मा, जिसकी तरफ से क्यूरेटिव पिटीशन यहां पर दाखिल की गई है। लेकिन जैसा कि हम अपने सहयोगी अमित दुबे से यहां पर बात कर रहे थे, उनका कहना था कि किसी भी तरह की राहत इस क्यूरेटिव पिटीशन के दाखिल करने के बाद भी नहीं मिल जाती है। लेकिन ऐसा अनुमान कि शायद अब तीनों जो और आरोपी हैं उनकी तरफ से भी ये याचिका दाखिल की जाए।